जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो, जहां पर हम हर दिन नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में। दरअसल हम आपको बता दें कि भारत की तीनों सेना इस समय लगातार अपने आप को आधुनिक करती दिखाई दे रही है। वायुसेना जहाँ लगातार नए नए लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल कर रही है, तो वहीं नौसेना भी अपने आप को लगातार मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। भारत की समुद्री सीमा और सुरक्षित होने वाली है, क्योंकि नेवी और भारतीय तट रक्षक बल को जल्द ही 15 C-295 विमान मिलने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारतीय तट रक्षक बल और नौसेना को 15 C-295 परिवहन विमान मिलेंगे। इनका निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के संयुक्त उद्यम में भारत में किया जा रहा है, और इन 15 विमानों के अधिग्रहण के प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में अंतिम चरण में है। दरअसल जिनमें 9 विमान नौसेना द्वारा खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी 6 विमान भारतीय तट रक्षक बल द्वारा लिए जाएंगे। और वहीं अगर दूसरी तरफ इनकी खासियत की बात करें तो आप इनकी खासियत जानकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि परिवहन विमान आवश्यक रडार और सेंसर से लैस होगा। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम द्वारा समुद्री गश्ती विमान में बदल दिया जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में स्पेन में निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान शामिल किया है। भारतीय वायुसेना को 56 C-295 मिलने वाले हैं, जिसमें से पहले 16 स्पेन से फ्लाई अवे स्थिति में आएंगे और बचे हुए 40 का उत्पादन भारत में वडोदरा स्थित गुजरात में टाटा फैसिलिटी में किया जाएगा। और अगर सरकार ने नौसेना और तट रक्षक बल के आदेश को मंजूरी दे दी तो टाटा एयरबस की ऑर्डर बुक मौजूदा 56 से बढ़कर 71 हो जाएगी। C-295 का उपयोग विमान के कुछ ऑपरेटरों द्वारा समुद्री गश्ती भूमिकाओं में किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।